बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। जिस प्रकार महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और अपराधी जो है अब तक जेल के बाहर है। हालांकि एक अपराधी को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कि कई लोगों ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है। आपको हम बता दें कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात हो रही है। जीतनराम मांझी ने भी कह दिया है कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार है, लेकिन वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, वो अपराधियों को संरक्षण दे रही है। चिराग पासवान ने भी कह दिया कि एक महिला मुख्यमंत्री को रहते हुए बंगाल में जिस प्रकार से दुष्कर्म का घटना सामने आ रही है, यह निंदनीय है। ममता बनर्जी के शासनकाल में इस प्रकार की घटनाएं जो है वो आम बात है। हालांकि आपको हम बता दें कि इस प्रकार की घटनाएं जो है वो बिहार में देखी जा रही है, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, बक्सर हो, वारा हो, तमाम जगहों पर इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। और यह घटनाएं जो है फिलहाल की है, एक घटना जो है नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की है, वहीं एक दलित परिवार की लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है। लेकिन बिहार में ऐसा विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किया जा रहा है? जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन बंगाल के लिए किया गया, ठीक उसी प्रकार से उसके लिए भी विरोध प्रदर्शन पूरे भारत में होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार 3 बार बक्सर की घटनाएं सामने आ रही है, बंगाल की जो घटना सामने आई है उसके बाद लगातार 3 बार बिहार से इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन उस पर लीपापोती क्यों की जा रही है? सरकार की तरफ से क्यों उसे दबाने की कोशिश की जा रही है? ऐसा आरोप जो है वो विपक्षी नेता लगा रहे हैं। विपक्षी नेताओं का मानना है कि इस प्रकार से दलित लड़की के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद हत्या की गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है उस पर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें जिस प्रकार से बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है, तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। लेकिन साथ ही जिस प्रकार से लगातार बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं, नेताओं को उनके घर में घुसकर गोली मार दी जा रही है, अपराधियों का मनोबल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और चिराग पासवान आज इंडिया के हिस्सा है, उन्होंने पहले कहा था कि बिहार में भी राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जो है बिहार को चलाने में अक्षम है, वो नहीं चला पा रहे हैं। सबको हम बता दें कि बिहार में भी बंगाल के साथ साथ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्योंकि जिस प्रकार से घटनाएं बंगाल से आ रही हैं, ठीक उसी प्रकार से बिहार से भी घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि बंगाल का मुद्दा आज पूरे भारत में चल रहा है और बिहार का मुद्दा जो है वो पूरे बिहार में भी नहीं जान पाए लोग कि बिहार में एक दलित लड़की के साथ क्या हुआ है, आरा में क्या हुआ है, मुजफ्फरपुर में क्या हुआ है, बक्सर में क्या हुआ है, सभी लोग जो है वो नहीं जान पा रहे हैं। क्यों ऐसा भेदभाव किया जा रहा है कि बिहार में जो उत्पीड़न हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, बाकी अन्य राज्यों में कुछ भी हो रहा है, वो मुद्दा जो है वो इंटरनेशनल मुद्दा बन जा रहा है। तो देखना होगा, बिहार के लोगों को इसका इंसाफ करना होगा। जिस प्रकार से बिहार की लड़कियों के साथ, बिहार की औरतों के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उस पर सरकार क्यों मौन है, उस पर लोग क्यों मौन है, बिहार में जो हो रहे घटनाओं पर लोग खुलकर सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे हैं? दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com।